नमस्कार, विंध्या टाइम्स में बहुत स्वागत है आपका। आज गांधी जयंती है। रीवा में आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन संगठन के द्वारा शहर के स्वागत भवन में वृद्धजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसके द्वारा रीवा में 30 से ज़्यादा की संख्या में वृद्धजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। आपको बताएं कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मीडिया से बात करते हुए पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के जिलाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिवारी ने कहा कि देश के में विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में वृद्धजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रीवा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृद्धजनों का सम्मान करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि वृद्धजनों का सम्मान करते हुए वृद्धजनों की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह आभास कराना चाहते हैं कि आपके प्रदेश में कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाल करने की प्रेरणा आपको प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम एक अभिशाप है। अगर पुरानी पेंशन बहाल होती है तो किसी कर्मचारी को वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा। हम आपको बताएं कि पुरानी पेंशन बहाली का मामला एक लंबे समय से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में चर्चित है। 2004 से देश प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी और नई पेंशन एनपीएस योजना लागू किया गया था। योजना में कर्मचारी के खाते में 10% राशि शासन के द्वारा व 14% राशि कर्मचारी के खाते पर जमा होती है, जो सेवानिवृत्त के समय 60% नगद भुगतान कर्मचारी को दिया जाता है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में कर्मचारी विरोध कर रहे हैं इस एनपीएस योजना को लेकर। आज भोपाल में भी 30,000 से अधिक कर्मचारी गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर उपवास कर रहे हैं। रीवा में आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष गणेश तिवारी ने बताया कि इस देश में शासन की सेवा करने के बाद जब कर्मचारी को वृद्धावस्था में एक लाठी का सहारा पेंशन हुआ करती थी, उसको भी सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया, जो एक अनुचित निर्णय कहा जा सकता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी हर्षलाल शुक्ला, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, विप्र सेवा संगठन के राजीव शुक्ला, विजय पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। साथ ही महात्मा गांधी व पंडित लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजेश शुक्ला के द्वारा किया गया है। किस तरह का कार्यक्रम था आज और किन उद्देश्यों के लेकर ये कार्यक्रम किया गया? ये हमारे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में और अपने मध्य प्रदेश में प्रांताध्यक्ष आदरणीय परमानंद डेहरिया के नेतृत्व में पूरे जिले में वृद्धजनों के सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि सरकार समय रहते कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती हैं तो कर्मचारियों को भी आने वाले समय में वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ेगा। वृद्धाश्रम जबकि अपने देश के लिए कलंक है, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकारों का ये रवैया ऐसा सत्यापित करता है कि आने वाले समय में इसकी और संख्या बढ़ेगी और सभी लोग वृद्धाश्रम की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन सरकार नहीं दे रही है। कार्यक्रम में क्या हुआ, क्या कैसे कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया? आज रीवा मानस भवन में हम लोगों ने यहाँ वृद्धाश्रम में 30 वृद्ध जनों का सम्मान किया, साल श्री फल से देकर के उनको सम्मानित किया, उनका स्वल्पाहार कराया और उनसे यह आशीर्वचन लेने की कोशिश किया कि आप ऐसी प्रेरणा दीजिए हमारे सरकार को कि वो हमारे सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करें। आपकी पूर्णतः मांग क्या है सरकार से? हमारी सरकार से केवल दो मांगे हैं कि सभी विभाग में पदस्थ कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए और शिक्षा विभाग में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए। आरएस अकेडमी रीवा, आपके सपनों को मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, आपके लक्ष्य को सफलता की राह पर लाने की जिम्मेदारी। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की राह होगी आसान, आप पाएंगे सफलता का मुकाम। UPSC, MPPSC, MPSI, बैंकिंग, पटवारी की तैयारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ RS Academy रीवा में। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बैच कोर्सेज UPSC, MPPSC, MPSI, बैंकिंग, पटवारी। पता, सेकेंड फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।